हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 4, जो कि सिविक्स का चैप्टर था आपका ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। अब तक स्टूडेंट्स हमने इसमें ग्रोइंग अप इन समोआ जो है 1920s के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता था। ग्रोइंग अप मेल इन द मध्य प्रदेश में जो है बॉयज़ के लिए अलग स्कूल था, गर्ल्स के लिए आफ्टर 6th स्टैंडर्ड अलग अलग सेगमेंट्स थे, और किस तरह से वुमेन्स को कम वैल्यू दी जाती है एज़ कंपैरिजन ऑफ बॉयज़। तो अगर हम देखें इसमें, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, माई मदर डज नॉट वर्क, क्या मेरी माँ काम नहीं करती है। माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल रीजन, रोजी मैम नीड्स वॉलेंटियर्स, कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर। जो बच्ची है वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ हमारे स्कूल में जो है एक वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है, तो आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लो और हमारे स्कूल में एज अ वॉलेंटियर आप क्यों नहीं चलते। दैन हरमीत्स मदर, यानी जो बच्ची क्वेश्चन को टक कर रही है उसका नाम हरमीत है, हरमीत की मदर बोलती हैं, ऑलवेज कम्स फ्रॉम रीजन्स बिकॉज शी डज नॉट वर्क। तो वो कहते हैं कि हमारे स्कूल जो है वो टूर पे जा रही है, घूमने के लिए जा रही है, तो मामा आप जो हैं वहाँ पे वॉलेंटियर बन जाओ। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। वो कहती हैं कि सोनाली तुम कैसे कह सकते हो कि जसप्रीत आंटी जो है वो कोई काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठती हैं और सारा घर का काम करती हैं। यस, बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट अ हाउस वर्क, ये तो कोई काम नहीं होता है, तो घर का काम है। ओह दैट्स वॉट यू थिंक, ओह तो तुम ऐसा सोचती हो, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत वॉट शी थिंक्स, कि चलो तो जसप्रीत के घर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोचती है। एट सिंग्स हाउस, हर्षनन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। कहती है कि सोनाली ये सोचती है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो एक वर्किंग वुमेन नहीं है, बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। कहती है आंटी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो हाउसवाइफ है, कोई काम बाहर का नहीं करती हैं। देन जसप्रीत, व्हाई नॉट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज, ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। वो कहती है कि ठीक है तुम जो है कल कुछ ऐसा करो, रिलैक्स करो और इन लोगों को मैनेज करना दो सारी चीज़ें। तो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो कल मैं स्ट्राइक पे हूँ, कल मेरी हड़ताल है, मैं कोई काम नहीं करूँगी। व्हाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। बच्चे खुश रहते हैं कि चलो हम कल पापा के साथ मिलकर सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे का टाइम, ओ गॉड लुक एट द टाइम, टाइम देखो कितना हो गया है, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ता कहाँ है, वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, बच्चे तैयार क्यों नहीं है, हाउ कुड आई नो, मुझे क्या पता, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, तुम्हें याद है मैं तो आज हड़ताल पे हूँ, बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टूडे, और आज जो काम वाली बाई आती है उसने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो दैट्स द स्कूल बस, हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार, बस भी चली गई, अब तो मुझे बच्चों को जो है कहाँ किस पे छोड़ना होगा, कार में छोड़ना होगा, यानी बस भी चली गई। हरी हरी जल्दी करो जल्दी करो, एंड आस्क हरप्रीत टू स्विच ऑन द पंप, उसको पंप ऑन करने के लिए कहते हैं। बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, बच्चों के नाश्ते का क्या है, टिफ़िन का क्या है, ओह नो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तो वो भूल ही गया, आई विल गिव यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, जस्ट बाय समथिंग फॉर द कैंटीन टुडे, आज कुछ कैंटीन से खा लेना, माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, कहते हैं कि माँ ने हमें पहले ही पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग शाम के 6 बज जाते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया हूँ, हाउ अबाउट सम टी, कुछ चाय मिलेगी, आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, ओह मैं तो तुम्हारी हड़ताल भूल ही गया, मेक सम माई सेल्फ, वो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। द हाउस लुक्स लाइक वॉज हिट बाय अ हरिकेन, घर ऐसे लग रहा था जैसे कोई तूफान घर के अंदर आया था। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इट एग्जैक्टली द सम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट एट दिस मॉर्निंग डियर। वो कहती है कि जो तुम सुबह छोड़ के गए थे सब कुछ वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, हरमीत बोलती है वेयर ऑन अर्थ, धरती पे कहाँ, आर द टी लीव्स जो है कहाँ उगते हैं। आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, इसका मतलब इन्हें अब समझ आ रहा है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, तो मैं इन्हें याद दिला देती हूँ कि आज चाचा जी और चाची जी हैं वो डिनर के लिए आ रहे हैं। तो वैल्यूइंग हाउस वर्क,
कि जो घर का काम होता है उसकी भी एक वैल्यू होती है. हरमीत्स फैमिली डिड नॉट थिंक, हरमीत की जो फैमिली है वो ये नहीं मानती है दैट द वर्क जसप्रीत डिड, कि जो जसप्रीत काम करती है विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क, जो घर में काम किया जाता है वो काम नहीं होता है. दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज, ये सिर्फ इनके परिवार के लिए ही यूनिक नहीं था, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार में द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एडरली एंड सिक मेम्बर्स लाइज विद द वुमेन, कि घर की सारी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं जैसे बच्चों का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, स्पेशली जो घर के बड़े हैं जो बीमार हैं उनका ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी होती है. येस येट as we have seen the work that women do within the home is not recognized as work. तो इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं घर पे काम करती हैं क्या उसे हम काम नहीं कहेंगे. It is not also assumed that this is something that comes naturally to women, कि क्या ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, ये महिलाओं के लिए ही बना है कि सारे घर का काम महिलाएं करेंगी. It therefore does not have to be paid for. और जबकि इसके लिए हम उन्हें पेमेंट भी पे नहीं करते हैं. And the society devalues this work. और समाज जो होता है इस काम की कद्र भी नहीं करता है. लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, कि जो घरेलू वर्कर्स होते हैं उनकी लाइफ्स के बारे में हम पढ़ते हैं. तो द इन द स्टोरी अबाउट, जो हमने ऊपर हरमीत्स की मदर की जो कहानी पढ़ी, वॉज नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात नहीं है कि जो घर का काम करते हैं. अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला देयर डोमेस्टिक हेल्पर, जो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है, जो घर पे बाई आती है काम करने वाली, तो वो उसका नाम है मंगला, तो वो भी तो बहुत सारा काम करती है. मैनी होम्स कई घरों में करती है, पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो घर के काम करते हैं, जैसे उनके लिए घर में बर्तन मांजना है, झाड़ू करना है, पोछा है, कपड़े हैं, बहुत सारे काम्स हैं. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, घर में साफ सफाई का काम होता है, कपड़े धोना है, डिशिंग खाना बनाना है, कुकिंग है, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रंस और द एल्डरली, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, बड़ों का ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो हम ये कहें कि जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो करते हैं. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, और हम देखें तो घरेलू जो ये कामकार होते हैं इनमें ज़्यादातर महिलाएँ होती हैं. समटाइम्स कई बार इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, कई बार जो बच्चे होते हैं लड़के और लड़कियाँ वो भी इस तरह का काम करते हैं. वेजेस आर लो, लेकिन इसमें पैसा बहुत कम होता है, एज डोमेस्टिक वर्कर डज नॉट हैव मच वैल्यू, और एक डोमेस्टिक घरेलू वर्कर होने के नाते इनकी जो वैल्यू होती है समाज में वो बहुत ही कम होती है. एट डोमेस्टिक वर्कर्स they can begin as early as 5 in the morning, और जो domestic workers होते हैं इनका जीवन की जो शुरुआत होती है, इनके दिन की जो शुरुआत होती है, ये सुबह 5 बजे ही हो जाती है, and at last at 12 at night, और रात के 12 बजे तक इनका दिन ख़त्म होता है. despite the hard work they do, और पूरा दिन ये बहुत मेहनत करते हैं, the employers often do not show them much respect, और ये कहें कि इनके जो मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो भी इनको कोई ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं. दिस इज़ वॉट मिलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. और मिलानी की हम बात करते हैं जो एक डोमेस्टिक वर्कर है दिल्ली में, तो उन्होंने अपने कुछ अनुभव यहाँ पे शेयर किए हैं. माई फर्स्ट जॉब वाई वॉज विच विद अ रिच फैमिली, मेरा पहला जो जॉब है, मेरी पहली नौकरी जो है वो एक अमीर परिवार के साथ थी, दैट लिव्ड इन 3-स्टोरेड हाउस, जो 3 मंजिले घर में रहते थे. द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, जब भी कोई काम करवाना होता था तो वो चिल्ला के काम करवाते थे. माई वर्क वॉज इन किचन, मेरा काम रसोई में होता था. देयर वर टू अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, 2 लड़कियाँ और आती थी जो क्लीनिंग का काम करती थी, यानी घर की साफ सफाई का. आवर डे वुड बिगेन एट 5 o'clock, सुबह 5 बजे हमारा काम शुरू हो जाता था. फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 dry rotis, और हमें नाश्ते में जो है 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियाँ मिलती थी. वी कुड नेवर गेट अ 3rd roti, तीसरी रोटी भी हमें खाने के लिए नहीं दी जाती थी. इन द इवनिंग When I cooked the food, जब मैं खाना बनाती थी, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. तो जो और 2 लड़कियाँ काम करती थी वो मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि 1 रोटी हमें एक्स्ट्रा दे दो. I would secretly give it to them, और मैं रहस्यमय तरीके से छुपा कर उनको वो एक एक्स्ट्रा रोटी भी देती थी. And make an extra one for myself, और एक एक्स्ट्रा मेरे लिए भी बना लेती थी. We were so hungry after working through the day. पूरा दिन काम करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते थे, बहुत थकान होती थी. वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, और घर में हमें चप्पल पहनने की भी अनुमति नहीं थी. इन द विंटर्स, सर्दियों में आवर फीट वुड स्वेल
अब विद द कोल्ड और ठंड के मारे सर्दियों में तो हमारे पैरों में सूजन भी आ जाती थी। आई यूज टू फील स्क्रेड ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। कई बार तो मुझे मेम साहब पे बहुत गुस्सा भी आता था और मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड हो जाती थी, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाना। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हमें पूरा दिन काम नहीं करना चाहिए। डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमें थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। इन फैक्ट वी वॉट वी कॉमनली टर्म एज अ हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क, क्योंकि हम लोग जो होते हैं जो हाउस वर्क करते हैं वो एक्चुअली कई सारे अलग अलग काम में भी हमें करने पड़ते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर्स हैवी फिजिकल वर्क, और इनमें हमें बहुत ज़्यादा शारीरिक काम भी करना पड़ता है। इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन्स एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी देखें तो बहुत सी औरतें और लड़कियाँ हैं जिनको पानी लाना होता है। इन रूरल एरियाज और ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड्स, लकड़ी जो घर में जलाने के लिए चाहिए वो भी वो सर पे उठाकर लेके आती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने जैसा काम है, क्लीनिंग है, घर की सफाई करना है, स्वीपिंग है एंड पिकिंग अप लोड्स, बोझ उठाना है, रिक्वायर्स बैंडिंग लिफ्टिंग एंड कैरी, जिसमें कि शरीर को बैंड भी करना पड़ता है, वेट को उठाना भी पड़ता है, सिर पे ढोना भी पड़ता है। तो ये तीनों ही काम जो हैं एक महिला के लिए बहुत हैवी होते हैं। मैनी कोरस, कई सारे जो ग्रुप्स होते हैं लाइक कुकिंग है जो काम होते हैं, हम बात करें जैसे कि कुकिंग है इन्वॉल्विंग स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ द हॉट स्टोव, अब खाने बनाने की बात को अगर हम करते हैं तो कई घंटों तक गर्म स्टोव के पास में आपको खड़े रहकर खाना बनाना पड़ता है। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग, वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोशिएट विद मैन, कि क्या जो काम महिलाएं करती हैं तो उनको फिजिकल डिमांड होती है कि उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, दे नीड सम एक्स्ट्रा फूड, दे नीड सम एक्स्ट्रा विटामिन्स, तो क्या ये सारे के सारे काम मैंस के साथ में एसोशिएट नहीं होते, क्या आदमियों से नहीं जुड़े होते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि जो घर का काम करना होता है, केयर गिविंग होती है, इसे जो है हम ये कहें कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, हम इसे नहीं मानते हैं, इज़ दैट इट इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें कितना समय लगता है। इनफैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क, कि अगर उसमें हम हाउस वर्क ऐड करें एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, और उस काम को ऐड करें जो महिलाएं घर से बाहर करती हैं, देन वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग दैन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लाइजर, कि महिलाएं और पुरुषों को अगर हम कंपेयर करें तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा समय काम करती हैं और उन्हें बहुत कम समय जो है वो आराम के लिए मिलता है। बिलो इज सम डाटा फॉर द स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सी इफ यू कैन फिल द ब्लैंक्स। तो ये कुछ स्टैटिकल डिटेल्स हमको दी गई हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो घंटे हैं सप्ताह में कितने घंटे जो है पुरुष काम करते हैं और कितने घंटे जो है महिलाएं काम करती हैं, यहाँ पे हरियाणा और तमिलनाडु को कंपेयर किया गया है। वुमेन्स वर्क क्वालिटी, तो वुमेन वर्क्स क्वालिटी जो है इसमें हम देखते हैं कि एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड, कि जिस तरह से घर के कामों में जो वैल्यू है काम की वो बहुत ही लो है, एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर, और किसी का ध्यान रखना या इस तरह के जो काम होते हैं इसे जो है हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर ना डालें, ये पूरे फैमिली का मैटर होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, या हम ये कहें कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि असमानता क्रिएट करता है महिला और पुरुष के बीच। इट देयरफोर therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or at the family but also by the government, कि ये सिर्फ एक परिवार या एक सदस्य को ही इस पर कोई हम ये कहें कि एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सरकार को इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। as we now know जैसा कि अब तक हम जानते हैं equality is an important principle of our constitution, कि समानता जो है वो हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। The constitution says और हमारा संविधान कहता है that being male or female should not become a reason of discrimination, कि महिला होना या पुरुष होना ये किसी भेदभाव का कारण नहीं हो सकता है। In reality वास्तविकता में अगर हम देखें inequality between the sexes exist, कि जो हमारे महिला और पुरुष के बीच में जो सेक्स को लेकर हम ये कहें कि जो इनइक्वालिटी है, यानी कि ये महिला है ये पुरुष है,
ठीक है, जो इस तरह की जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा विद्यमान है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर दिस। सरकार को इसके पीछे छिपे हुए कारणों को जानना चाहिए एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स, और इसके प्रति सकारात्मक कदम उठाने चाहिए टू रेमेडी द सिचुएशन, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम कहें कि इट रिकोगनाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर, कि एक बच्चे का ध्यान रखना, उसका पालन पोषण करना, उसके साथ में घर के काम करना फॉल्स ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स, वो सिर्फ महिलाएं और पुरुषों के ऊपर ही हो, लड़कियों पे ही होता है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, और ये चीज़ उन लड़कियों पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं जहाँ पे हम ये कहें कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड एंड द हाउस, कि महिलाएं चाहे बाहर काम करें चाहे घर पे काम करें, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव, लेकिन उनको किस तरह के काम मिलते हैं, किस तरह का उनका कैरियर हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप आंगनबाड़ीज, सरकार ने आंगनबाड़ी सेटअप किए हैं, और चाइल्ड केयर सेंटर्स भी सेवरल विलेज जो हैं हमारे देश के वहाँ पे स्टेबल किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पासस लॉ, सरकार ने कुछ नियम भी कानून भी बनाए हैं दैट मेक अ मैंडेटरी, उनको जो है मैंडेटरी यानी प्राथमिकता के साथ में उनको लेना चाहिए फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेंस, कि जहाँ पे कम से कम 30 महिलाएं काम करती हैं, टू प्रोवाइड क्रश फैसिलिटी, तो वहाँ पे क्रश फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। क्रश फैसिलिटी होती है जहाँ पे उन महिलाओं के बच्चों का ध्यान रखा जाता है। वुमेन टू टेक अप अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एट होम, और उन महिलाओं के लिए ये फैसिलिटी होती है जो महिलाएं घर से बाहर काम करती हैं। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ जो हैं वो हम ये कहें कि बाहर जाकर काम कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो बहुत बड़ी है, और उनकी हेल्प के बिना जो है हम लोग कुछ भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।